साथ है प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवंत सिंह जी बिश्नोई है, उनसे बातचीत करते हैं कि आज का माहौल जो है वो किस तरह का माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफा माहौल है, सब लोग दिन ध्यान से लगे हैं और बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी आपको क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह का माहौल है, युवाओं में किस तरह का जोश है? युवाओं में भी जोश है, ग्रामीण क्षेत्र सब जगह एक जैसा माहौल है, बहुत अच्छा जोश है लोगों में। आप बिश्नोई समुदाय से आते हैं और राजस्थान में बिश्नोई समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपकी जो जनजाति है वो शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहती है, तो उसमें मोदी जी का किस तरह का इफेक्ट है, किस तरह का प्रभाव है? देखिए एक जाति विशेष नहीं, सब जातियों में मोदी जी का इफेक्ट है, मोदी जी हर कौम को प्रिय नेता है। जी धन्यवाद भाई साहब, आपने कहा कि मोदी जी हमारे सबके प्रिय नेता है और मोदी जी ही की वजह से और मोदी जी ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य है कमल का फूल और मोदी जी ने नमो नमो के नारे लग रहे हैं और नमो नमो से ही विजय संभव है इस देश में और देश का विकास चाहते हो और मोदी जी की जो लहर नहीं ललकार है, ये लहर नहीं ललकार है और जोधपुर की जनता की ललकार है कांग्रेस को कि तुम लोग जो जहां हैं वहीं रहो, हम लोग करेंगे नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व किसी के पास में है तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का जो मजबूत नेतृत्व है। और लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करूंगा। भाई साहब लोकसभा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र की सबकी जनता का रुझान नरेंद्र मोदी की ओर, देश की जिस परिस्थिति वर्तमान में गुजरी है देश की परिस्थिति अनुकूल ये नरेंद्र मोदी की जीत को सुनिश्चित है और हमारे जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावती सुनिश्चित। ग्रामीण क्षेत्र के सबका रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर से है और हमारे शेखावत साहब की व्यक्तिगत नीतियों के अनुसार सब लोग, चाहे हमारे किसी जाति पाति के लोग हैं, वो राष्ट्र निर्माण के भाव रखते हैं। राष्ट्र निर्माण से सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पुनः देश का प्रधानमंत्री बने जिससे हम सब लोग सुरक्षित हो सकें। देश के स्वाभिमान का चुनाव है, ये आम चुनाव की तरह चुनाव नहीं है, ये विशेष चुनाव है। इस चुनाव में हम सब लोग साथ मिलकर के देश की रक्षा के लिए काम करेंगे, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मौलवी साहब बता रहे हैं जैसलमेर से, आपका शुभ नाम? मौलवी हबीबुल्ला। आपको किस तरह से लगता है गजेंद्र जज्जू मना जो है किस तरह से जीत रहे हैं और किस तरह का जोश है आपके वहाँ पे जैसलमेर में? जैसलमेर के अंदर जो मोनरेटी के जो वोट है, जो जो देश के जो मुल्क के लिए, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए वोट दिए जा रहे हैं, जो पिछली बार हुआ जो मोनरेटी के वोट लोगों ने नहीं दिए थे, वो अभी इस वो माहौल नहीं है पूरे भारत के अंदर और जैसलमेर के अंदर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुल्क अपने राष्ट्र को वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मोदी मोदी जी, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और इन्होंने कहा कि मोदी जी को दे रहे हैं और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम कड़ी चुनौती देंगे और मजबूत नेता चुनकर देगा, इनका समुदाय हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। हमारे साथ जुड़े हैं फलोदी से पब्बाराम जी बिश्नोई साहब, भारतीय जनता पार्टी से। पब्बाराम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के समर्थन में? भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और चारों तरफ नरेंद्र मोदी का जयकारा चल रहा है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं पूरे राजस्थान के अंदर। और कल जब जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों का इन्होंने दुरुपयोग करने का, राजनीतिक करने का प्रयास किया, उसके दौरान युवाओं ने जबरदस्त नारेबाजी करके उनको अपनी औकात बता दी और जब अमेला में भी ये परिस्थिति बना करके छोड़ दी, इनको पता लग गया कि हम कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। और आज तो मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत दिल्ली गया है, शायद वापस टिकट फेंकने के लिए गया है, परंतु मेरे को लगता है कि वो कहेंगे नहीं हारे तो हार लड़ यहीं से। इस बात को सोच के साथ में अशोक गहलोत अभी अभी दिल्ली गया है, ये अभी हुआ ये कार्य, तो इसलिए वो अवसाद में है, डिप्रेशन में है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, परंतु हमारी विजय पताका लहराने वाली है, इसमें कोई दम दम फर्क नहीं है। ये हमारे साथ फलोदी से पब्बाराम जी बिश्नोई साहब, जिन्होंने की कहा कि हमारी विजय सुनिश्चित है। अशोक गहलोत जी को भी सोचने की जरूरत है अब कि जिस तरह का हुजूम उमड़ा है समर्थन में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के, हमारा नेता कैसा हो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। मोदी के समर्थन में आप देख सकते हैं ये जो हुजूम उमड़ा है, ये मोदी लहर या मोदी यलगार या मोदी के सभी नारे अपने प्रिय जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के लिए। और अब मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने प्रिय
प्रिय गजेंद्र सिंह जी से कल साहब के लिए समर्थन में जो आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? साहब हम तो कोई भाड़े के आए हुए नहीं है, हम लोग तन मन और धन से ही जो समर्पित है बीजेपी को। देश के लिए जो आदमी खड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग उसके लिए समर्पित है पूरा। देश के लिए जो खड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी है। ये सभी मेडिकल ग्रुप से हमारे बीच पधारे हैं। देश हित में जो काम करता है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हर हर मोदी के नारे, गच्चू बना के जीत के लिए नारे जो यहाँ पे लग रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, देश में मेरे अंदर, जोधपुर में गंगा जल, हर हर मोदी। जोधाने की शान, गजेंद्र सिंह की सौगंधम है इस मिट्टी की, सौगंधम है इस मिट्टी की। तो लीजिए हम आ पहुंचे हैं। ये जोश जो कि जीत के बाद होता है वो अभी से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुजूम है उससे देखकर लगता है कि सारी सीटें जो इस बार होगी भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के नामांकन रैली की भीड़ है जो हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ में है मातृशक्ति, उनसे मैं बात करता हूँ। माता जी कटे हुए आप? मैं दसवणी हुआ सब। दसवणी हुआ, छोटे से गाँव से। आपको क्या लगता है गजेंद्र सिंह कितना वोटों जीती? अरे बहुत बढ़िया, भारी वोटों जीता, भेज रहा हूँ। भारत माता की जय। इन्होंने कहा बहुत सारे जीतेंगे, जीतेंगे ये लोग। भारत माता की। कार्यकर्ता बंधुओं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सारे सदस्यगण, समय में जो आप सबने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया है, आप सबने हजारों की संख्या में पूरब में लूणी के लाखड़दून से लेकर के पश्चिम में सुदूर पाकिस्तान की सीमा पर भारे वाला, करने वाला, गज्जे वाला, उन गांव के बूथों तक सारे लोगों ने आकर के जिस तरह से, जिस ऊर्जा के साथ में, जिस ताकत के साथ में, जिस शक्ति के साथ में और संकल्प की मुट्ठी भींच करके जिस तरह से आप सब लोगों ने ये प्रतिबद्धता अपने वक्त की है, इस देश को, मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए हम सब 29 तारीख तक माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 तारीख तक हम सब नरेंद्र मोदी बनकर के खुद खड़े होंगे और हम सब लोग लगातार अनथक परिश्रम करेंगे। दोनों हाथ उठा करके संकल्प की मुट्ठी भींच करके बोलिए कि जोधपुर में वंशवाद को नहीं चलने देंगे, जोधपुर में वंशवाद को नहीं चलने देंगे, जोधपुर में चलेगा तो केवल और केवल राष्ट्रवाद चलेगा, जोधपुर में चलेगा तो केवल और केवल भारत माता का जय घोष का नारा चलेगा। ये एक परिवार के नारा, ये एक परिवार की जय घोष का नारा लगाने वालों को जोधपुर अब स्वीकार नहीं करेगा। देश के सुदूर कोनों में बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से मानस बनाया है, हम सब उस मानस को सच करने के चौकीदार हैं। मित्रों, मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो एक चेहरा मात्र है प्रत्याशी तो, और जिस तरह से वो अपने पद, प्रशासन और प्रभाव का उपयोग करके हमको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आज इस मंच से चेतावनी देता हूं कि इस आग को जितनी दबाने का प्रयास करोगे मुख्यमंत्री जी, इस आग में बेहद तुमको भस्म कर देगी। इस भारत माता को वरम वैभव पर पहुंचाने के रास्ते में जिस किसी ने भी रोड़ा पड़ने का प्रयास किया, समय का निशान उनको ढूंढने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ। भाई बिहारी जी मेरे छोटे भाई हैं,
नोखा के बीकानेर के विधायक हैं, आज इतनी दूर से चल कर सके हम सब जोधपुर के मतदाताओं का उत्साहवर्धन के लिए आए। मैं बिहारी जी को भी कहूंगा कि ये दो शब्द सबके बीच में बोले, बहुत ऊर्जावान और ताकतवर नेता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जिस तरह का जय घोष इस मारवाड़ की राजधानी जोधपुर की धरती से आपने किया है, ये संदेश पूरे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में नहीं पूरे राजस्थान में जाएगा कि सामने जो हमारे लड़ रहे हैं वो वंशवाद की परंपरा के प्रतीक लड़ रहे हैं, और दूसरे हमारी तरफ से जो सेनापति लड़ रहे हैं, जो योद्धा लड़ रहे हैं, वो गजेंद्र दिल्ली में नरेंद्र को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। इस देश को कैसे नेता की जरूरत है, दिल्ली में भाई नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए जो भारत माता के इस वैभव को दुनिया में और बढ़ा सके, और उनका साथ देने के लिए हमारे को गजेंद्र जैसा नेता चाहिए जो इस मारवाड़ का मान बढ़ा सके, और पूरे देश में हमारी पहचान है जो किसानों के हितैषी है, किसानों का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, जो आम आवाम का बेटा है, और सामने किसी खास का बेटा चुनाव लड़ रहा है। इसलिए अपने बेटे के साथ पूरी ताकत से किसान खड़ा होगा, ये माताएं बहने खड़ी होगी, हमारा नौजवान मजबूती से डटेगा, और भारत माता के वैभव को हम जी जान लगा देंगे, और यहाँ से गजेंद्र जीत के जाएंगे, दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब फायर ब्रांड लीडर लोहाउट के प्रधान भाई भागीरथ जी एक बार सब युवाओं का जोश बढ़ाएंगे। भारत माता की, आप और हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य कि जोधपुर के नेतृत्व के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत जैसा सर्वमान्य नेता और सबके साथ रह करके किसानों के हितैषी, आम जनता के साथ रहने वाले और आम परिवार से लगाव रखने वाले ऐसे प्रत्याशी हमें मिले। मैं तो बधाई देता हूं शेखावत साहब को, आपकी जीत सुनिश्चित है, दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती है। दिल्ली करो, दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना तय है, जोधपुर में गजेंद्र शेखावत एमपी बनना तय है। हमारा सौभाग्य ये रहेगा, हमारा ये सौभाग्य रहेगा कि हम कितने ज्यादा वोटों से जीताए जीत को, तो इस दुनिया में आज का वातावरण पिछले 10 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, इसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, चाहे सामने कोई ताकत आ जाए। जो ताकत गजेंद्र सिंह शेखावत में ताकत है, वो आम जनता की ताकत है, आम परिवार की ताकत है, आम गरीब की ताकत है। ऐसी ताकत को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में देश की परिस्थिति, ये चुनाव किसी जाति के नहीं, पांति के नहीं, ये देश के स्वाभिमान के चुनाव है, ये चुनाव हमारी रक्षा के चुनाव है, ये चुनाव हमारे नरेंद्र मोदी के चुनाव है। इस चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कह करके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्यादा विजय बनाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं गजेंद्र सिंह शेखावत को मेरी ओर से बहुत नहीं देता हूँ कि आपने जसवंत सिंह बिश्नोई जैसे नेतृत्व को प्रदेश में उपाध्यक्ष बनने का जो आपने दिया है, बहुत बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र, और बहुत बड़ी एक तूफान अपने बीच में और तूफान के रूप में किए, जो हनुमान में विवाद भी अपने साथ जुड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी तूफान आई है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और अग्रिम बधाई की शुभकामना देता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री होंगे, राजस्थान प्रदेश का आने वाले समय में नेतृत्व करेंगे, मेरी ओर से बहुत बधाई, धन्यवाद, वंदे मातरम। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय मैं हजारों हजार कार्यकर्ता जो सुबह अपने सवेरे सूर्योदय से पहले निकल करके
यहाँ पर भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए और माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत को विजय श्री दिलाने के लिए आज पर्चा भरने के लिए आए हैं। आज मैं आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक नारे के साथ में अपनी बात को पूरा करेंगे और मैं आपको निर्देश, हमारा संकल्प है इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का, परंतु सामने वाले का संकल्प है अपने बेटे वैभव को बनाने का। बात बात में फर्क है बंधुओं, वो वैभव एक सीएम का बेटा है, ये आम जनता का बेटा है, आम आपका बेटा है और इसको समर्थन दे करके इस प्रकार से। और मैं एक नारा दूंगा आपको, एक नारे के साथ में अपनी बात को पूरा करूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत कराने के लिए और पाकिस्तान और पाकिस्तान के कालजे में दूध नहीं छूट जाए, ऐसी ऐसी ओजस्वी भाषा बोलने वाले नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करने के लिए आपको गजेंद्र सिंह जो जितना है। और मैं आप एक नारा दूंगा कि दिल्ली में नरेंद्र तो जोधपुर में गजेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र। धन्यवाद जय भारत। सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत सारा अभिनंदन, खूब सारा धन्यवाद। ये जो जोश हमने आज पैदा किया है, ये जुनून हमने आज पैदा किया है, ये जोश और जुनून 29 तारीख तक बना रहे, ऐसी सबसे अपेक्षा, सबको शुभकामनाएं। आज हम सब कार्यकर्ता बंधुओं ने यहाँ जो ये जोश जोधपुर की धरती पर पैदा किया है, 29 तारीख तक ये जोश नित्य प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। हम रोज एक नया संकल्प करेंगे कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने और इस देश को वैभव तक पहुंचाने के लिए रोज नया संकल्प करेंगे कि इस बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, और उस मोदी सरकार को बनाने के लिए एक भी घर को अनछुआ नहीं छोड़ेंगे, एक भी मतदाता को अनछुआ नहीं छोड़ेंगे। अगर विपक्षी पार्टी के आदमी को भी आपने जाके प्यार से कहा तो मन में से तो वो मान लेगा कि भैया सरकार तो मोदी जी की बननी चाहिए, सरकार तो मोदी जी की बननी चाहिए, कि वो कहेगा प्रधानमंत्री तो मोदी जी बननी पड़ चाहिए। हमको सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है और पूरी ताकत और शक्ति के साथ में जुटने की जरूरत है। आप सबका अभिनंदन, आप सबका अभिवादन। हम प्रेम से वापस अपने घर जाएं, प्रेम से जाकर के और बूथ पे जाकर के पूरी ताकत के साथ में जुटें, ऐसी आप सब से अपेक्षा है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, शायद मैं आप सबके पास मैं 28 तारीख तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अपने आप को गजेंद्र सिंह मान लीजिए, अपने आप को नरेंद्र मोदी मान लीजिए और जुट जाइए कि केवल और केवल एक लक्ष्य के साथ में कि माँ भारती का जय जयकार हम सब लोग करके रहेंगे। आप सब लोगों से इस अपेक्षा भाव के साथ में कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो, हम सब एक हैं और हम सब श्रेष्ठ हैं, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह जी, आपका आपने किस तरह से बताया कि माँ, आपने किस तरह से बताया कि भारत का वैभव लौटाना है और अशोक गहलोत का वैभव भी उसके वापस लौटाना, उसको घर भेजना है। इस तरह की भावनाएं और शुभकामनाएं हमारे जोधपुर की जनता के लिए है। और अशोक भाई साहब से जो बताया, भाई साहब ने लोकसभा का नामांकन आज संपन्न हुआ, उस नामांकन में भारतीय आप सभी को भारतीय नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। वचन है भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। तो मुमकिन है फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा को वोट दें।